आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 8 प्रखंडों का चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 8 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चल रही है और वही बदलाव की लहर का असर बरहड़िया प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ भी हमारी टीम आज 10 दिन से कार्य कर रही है, अलग अलग पंचायतों में जाकर जनता से भी मिल रही है और वहाँ के प्रत्याशियों से भी मिल रही है। तो जनता का साफ कहना है कि हम लोग बदलाव के मूड में हैं, बदलाव करना है और बदलाव करके एक अनुभवी युवा और शिक्षित व्यक्ति को हम लोग लाना चाहते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं पडरौना पंचायत में और पडरौना पंचायत के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं शबनम परवीन, उनके पति इम्तियाज आलम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछली बार चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, कुछ मार्जिन वोटों से चुनाव हार गए थे और इस बार जीत के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं इम्तियाज जी, क्योंकि इनका 5 साल नहीं 10 साल का एक संघर्ष इस पंचायत के लिए और 10 साल से ये जनता के बीच में रहे हैं, जनता के हर एक दुख से वाकिफ हैं और जनता भी इनका एक परीक्षा ले चुकी है कि इनके अंदर कितना सब्र है और कितना धैर्य है। और उसी पे दो लाइन है कि सब्र रख वो मंजर भी आएगा, सब्र रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर एक दिन समंदर भी आएगा, हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो कहीं ना कहीं इनकी सब्र का परीक्षा हो चुका है और इस बार जनता उसका फल देने जा रही है इम्तियाज जी को। तो आइए इनसे मिलवाते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है इम्तियाज जी हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार, जो आपका चैनल पहुंचा रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या लग रहा है 3 नवंबर जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है और आप लोगों को भी इंतजार है 3 नवंबर का, तो तमाम प्रखंडों में जो एक बदलाव की लहर चली है, क्या वो बदलाव की लहर पडरौना पंचायत में भी कायम रहेगी? जी, इस बार हम डोर टू डोर विजिट पंचायत में कर रहे हैं और जितने जनमानस है पडरौना पंचायत सब लोग का यही सोच है कि एक नई सोच, एक नई पीढ़ी को लाना है और उसमें हम अब तक किसी से नहीं बोले हैं, पूरे जितने मेरे वोटर हैं उनसे नहीं बोला कि भाई आप हमको वोट दो, आप कैंडिडेट के योग देखो, वोट देखो और उसका लैक हो इस योग हो तो उसका आप वोट। तो कहीं ना कहीं जो 10 साल का संघर्ष है और जनता के उम्मीद और विश्वास पर जिस तरीके से आपने खड़ा उतरने का काम किए हैं, जनता के ऑप्शन है सिर्फ आप, क्योंकि जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव करके जनता एक ऐसा प्रत्याशी को लाना चाहती है जिसको पंचायत के बारे में बारीकी से पता हो, कहाँ पे कमी है वो पता हो, क्या करना है अगले 5 साल में वो पता हो, क्योंकि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो नए हैं, वो लोग जनता के दुख सुख से वाकिफ नहीं है, इस पंचायत में कहाँ क्या कमी है उसे वाकिफ नहीं है। अभी 5 साल समय उनको परखने में लगेगा, पंचायत को भ्रमण करने में लगेगा, हालांकि आप 10 साल से इस तमाम चीज़ों को करके रखे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि जनता आप ही के साथ आना चाहेगी? देखिए, 2001 में नया परसिमन पडरौना पंचायत का शुरुआत हुआ और 2001 से अब तक हमको देखने में तो इतना काम बाकी है कि हमको काम पूरा करने में 5 साल भी नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, इतना काम बाकी है। अभी पूरे प्रखंड में कहीं आप घूम लीजिएगा किसी भी पंचायत में तो ईटाकरण नहीं मिलेगा, हमारे पंचायत में 2 टुकड़े मिलेगा हर जगह, वही से ईटा दिख रहा है, बहुत पानी दिख रहा है, कचरा है, रोड की लफड़ा है, नाला की लफड़ा है। तो इम्तियाज जी, एक चीज़ और है कि जो पिछली बार आप चुनाव लड़े थे, कुछ होटल चुनाव आप हुए थे उसके पिछले बार चुनाव आप लड़े थे, यानी 10 साल अब हो गया राजनीति से जुड़े हुए, तो क्या कभी आपको थकान महसूस नहीं हुई चुनाव हारने के बाद? मुझे ऐसा नहीं हुआ कि बेकार है, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, यहाँ पे बहुत दिक्कत है लोगों को समझाना, ऐसा कभी महसूस हुआ नहीं हुआ? देखिए, हम एक ऐसा प्रत्याशी हैं कि चुनाव हारने के दूसरे बार में पंचायत में घर लड़ सकते हैं और मैं पिछले बार चुनाव हार के अब तो पंचायत का भ्रमण किया। देखिए, जनता की मत है, वो जब हमको समझेगा तभी हमको वोट देगा, वोट मांगने से नहीं मिलता है, जनता समझेगा, हम उसको योग समझेगा तो हमको जरूर वोट देगा। हमको उम्मीद है कि हमारे जनता पिछले बार 30 वोट चाह रहा है और हमारे पंचायत की जनता इस बार हमको 300 वोट से जिताएगा, इसमें हमको पूरा विश्वास है। तो कहीं ना कहीं जिंदगी का एक हिस्सा है, पहले हार मिलती है उसी के बाद जीत मिलती है,
मतदान जिंदगी का हिस्सा है। जब समय आपको हो जाएगा जीतने का तो निश्चित ही जनता आपको जिताएगी, और हार से तो इंसान और सीखता है। जब इंसान हारता है तो बहुत सी चीज़ें उसको सीखने की पता होता है, क्योंकि हारने के बाद पता चलता है कि कमी कहाँ थी, कहाँ गलती किए थे। और जीतने वाले को तो बस अपना जीत का जश्न होता है, वो अपनी गलती को नहीं देख पाते हैं। लेकिन आप अपने गलतियों को देखिए और गलती को सुधार के आज 10 साल के बाद एक परिपक्व नेता बने हैं। और उसी पे दो लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अगर जनता असफलता आपको दे रही है तो स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसा कि आप बोले, हारने के दूसरे दिन बाद ही हम जनता के बीच में जाते हैं, तो उसको आप स्वीकार करते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, सुख चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कहीं ना कहीं कोशिश आपका जारी है अपने पंचायत के प्रति। तो क्या लग रहा है, इस पंचायत का जो युवा वर्ग है और जो शिक्षित वर्ग है, कहीं भी चुनाव हुए हैं, जहां भी बदलाव हुए हैं, देखा गया है कि युवा या तो खुद चुनाव लड़ा है, नहीं तो एक अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट किया, तब जाके बदलाव हुआ है। तो क्या लग रहा है, इस पंचायत का युवा और शिक्षित वर्ग इम्तियाज जी के साथ आ पाएगा चुनाव? अभी के डेट में मेरे साथ 50 युवा वर्ग काम कर रहा है, और निस्वार्थ। कुछ लोग होता है कि दिहाड़ी पे मजदूरी पे भी रखता है, बस से चल रहा है, लेकिन मेरे साथ 50 टीम मेरा काम कर रहा है, और वे निस्वार्थ काम कर रहा है। बस उन लोग यही लग रहा है कि हमारे गांव के कुछ जो पिछले बार हमको वोट नहीं दिए थे, वो लोग यही कहना है कि भाई इसको हम लोग वोट नहीं दिए तभी दूसरे नंबर स्थान पे था, उस गलती को हम लोग को नहीं दोहराना है। और इसके साथ है वो आदमी जो पिछले बार हमको वोट नहीं दिया था, अभी हम यहाँ पर अपने दरवाजे पे हैं और वो हमारा वोट काम कर रहा है। अभी मशीन कोई लेकर जा रहा है, कोई पर्चा बांट रहा है। जैसे आज हम गए पंचायत में तो बोला कि आप इधर आए हैं, आपके आदमी तो उधर घूम कर अभी पर्ची हमको लेके गया है। हमको मालूम नहीं, पता भी नहीं, हमको मालूम ही नहीं है। वो बोला कि भाई अभी आपका पर्ची मिल गया, आदमी देके गया आपका पर्ची। और वो लोग बोला कि बहुत बड़ी तरह के आप मतलब की काम कर रहे हैं, बढ़िया। हम तो देखिए, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, पूरी पंचायत की जनता चुनाव लड़ रहा है, और प्रोग्राम पंचायत राज पढ़ाना के जितने जनता है उनसे नम्र निवेदन है कि एक मरतबा अगर उस योग्य इम्तियाज हैं तो इम्तियाज के जरूर वोट दें, और जितने उम्मीद से वो वोट देंगे उतने ही उम्मीद से उनके साथ सक्षम रहेंगे और सक्षम रहकर काम करेंगे। तो पंचायती राज चुनाव का एक कड़वा सच जो होता है जातीय समीकरण, लेकिन इस बार के पंचायती राज चुनाव में वो थोड़ा भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन है कि सोच बदल चुका है इंसान का, जनता भी समझदार हो चुकी है, जाति मजहब से ऊपर उठ चुकी है, और यही देन है कि 90% पंचायतों में बदलाव हो रहा है। तो लेकिन एक और कड़वा सच है जिसको आप भी नहीं झुठला सकते, हम भी नहीं झुठला सकते हैं, लास्ट की दो रात। लास्ट की जो दो रात होती है वो क्यामत की रात मानी जाती है पंचायती राज चुनाव में, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है, वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। जो प्रत्याशी 1 माह मेहनत करके अपना वोट नहीं बना पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम 2 रात में अपना वोट इकट्ठा कर लेंगे। तो हमारे समाज में आज भी 10% लोग ऐसे हैं जो लालच में आके गलत जगह वोट करते हैं, तो वो प्रत्याशी उन्हीं 10% को टारगेट करते हैं और उनका वोट लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या लग रहा है, इस बार बदलाव के नाम पे जनता लालच में जाए बगैर एक ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी को वोट करेगी? ये बिल्कुल सच है। अभी के डेट में लोग बहुत सारे लोग कहते हैं फलाना आदमी ये कर दिया, दिस दैट, मतलब ये कहना उचित नहीं है इस न्यूज पे कि इंटरव्यू फलाना जगह ये कर दिया, फलाना जगह ये कर दिया। हमको उससे मतलब नहीं है, हमारे जनता पर हमको पूरा विश्वास है कि इस बार हमको वो मत देगा और वोट देगा। लालच में नहीं जाएगा, ना लालच में नहीं जाएगा। लालच में 10 से 5 आदमी जाता है, बस उसका कोई माने नहीं रखता है। 10 से 5 आदमी लालच में जाता है, 30% वोट होते हैं जो लालच में रहते हैं, और वो भी लाठ लाठ में सही समय पाए जाते हैं। इसका कोई मानी नहीं होता है लालच में, ये सब दिखावा होता है। एक से एक पैसा वाले और दारू वाले लोग हैं, आए गए, इससे कोई नहीं होता। एक चीज और इम्तियाज जी, कि हम जब आए आपके पंचायत में, हम प्रवेश किए तो बहुत सारे लोगों से जानने का कोशिश किया कि आप लोग क्या मूड रहेगा, क्या इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं चुनाव से आप लोग। तो करीब 40-50 लोगों से हम मिले, तो बहुत लोगों का नाम था कि हम लोग बदलाव के मूड में हैं, बदलाव करेंगे। लेकिन बदलाव करेंगे लेकिन लाएंगे किसको, जनता इसको नहीं बता रही थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको, जिनका साफ का नाम था कि हमको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो जीते जो हारे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो जीतेगा हम लोग उसको जिता देंगे।
तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते, कहने में मेच्योर तो बनना पड़ेगा जनता को ना, जनता को ये सब चीजें देखनी पड़ेगी कि प्रत्याशी में कौन सी बात है, कौन प्रत्याशी कैसा है, तब अपना वोट करने का डिसीजन ले। लेकिन जो लोग ऐसे बोलते हैं कि जो जीतेगा उसको जिता देंगे, देखा जाएगा, उन लोगों से क्या आप अपील करते हैं? मैं उन लोगों से यही बात बोलूंगा कि आप 4 से 5 दिन समय है, जितने प्रत्याशी तुरंत पुराना पंचायत में 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, सब इसी यहीं के हैं, सबके बारे में आप जांचिए परखिए और समझिए और आपका योग जो है उसको आप भोट दीजिए। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो आपका चुनाव चिन्ह मिला है, चिन्ह निछा, उसको लेकर अपने पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा 3 नवंबर के लिए? मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि इस बार 8 नंबर क्रम संख्या पे चिमनी चुनाव चिन्ह है, आप हमें वोट दें और वोट देकर हमें विजय दिलाएं। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद है शबनम परवीन के पति इम्तियाज अली जी, जो पिछली बार के रनर रहे हैं, दूसरे नंबर पर थे ये और कुछ मार्जिन वोटों से चुनाव हार गए थे, और इस बार जब जनता का मिजाज है बदलाव, तो बदलाव के नाम पे सबसे बड़ा चेहरा दिखाई दे रहे हैं इम्तियाज जी, क्योंकि पिछली बार और उसके पिछली बार का भी इनका संघर्ष रंग लाएगा इस बार पंचायती राज चुनाव में, क्योंकि 10 साल का अनुभव है और 10 सालों में इन्होंने बारीकी से पता किया है कि कौन सी समस्या मेरे पंचायत में कीड़ा का काम कर रही है, उसको मिटाने वाला अगर कोई चेहरा दिखाई दे रहा है तो इम्तियाज दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो नए नए आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर ये जनता को सोचना है और समझना है कि कौन से प्रत्याशी है जिसको हम अपना बहुमूल्य कीमती वोट देंगे तो उसका कीमत चुका पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपना रूप बदल के भी आते हैं चुनाव के लिए, लेकिन 10 साल में जनता इम्तियाज जी को जान चुकी है कि इम्तियाज कौन है, क्या चीज़ है इम्तियाज, ये बताने की बात अब नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहिए M20 लाइव पर, इस पंचायत का हर एक अपडेट चुनाव तक हम पहुँचाते रहेंगे, और 13 नवंबर के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि इस पंचायत की जनता अपने 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए